सो गाइज ये वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। अगर कोई भी भाई वरना लेने के लिए सोच रहा है ना, तो भाई ये वीडियो एंड तक देखना, एंड तक। लास्ट में आपको पता चलेगा कि गाड़ी की टॉप स्पीड क्या है, तो मैं आपको लाइव प्रूफ दे रहा हूँ कि वरना का टॉप स्पीड क्या है, ठीक है। तो आप वीडियो को एंड तक देखना और कमेंट करके बताना, कुछ भी पूछना हो मैं सभी को रिप्लाई देता हूँ। और वीडियो को जरूर से लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसे मैं वीडियो अपडेट देता रहता हूँ। ऐसे डिफरेंट टाइप्स के ब्लॉग में बनाते रहता हूँ, ट्रैवल ब्लॉग, स्पीड टेस्ट ब्लॉग, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग आने वाला है। तो आप वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, कमेंट जरूर से करना। सो मैंने पहला गियर लगा रखा, पहले गियर में कितना स्पीड जाती है, तो लेट्स ट्राई। हेलो गाइस, स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आया है कि वरना का टॉप स्पीड टेस्ट करके दिखाओ। तो आज वो मैं टेस्ट करूंगा, वरना का टॉप स्पीड टेस्ट करते हैं और चलते हैं अच्छे से राइड पे। और अभी चलते हैं, रिफ्रेशमेंट वगैरह लेते हैं, कॉफी वगैरह पीते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं। और वीडियो का एंड तक देखना, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और कमेंट जरूर से करना, मैं सभी को रिप्लाई देता हूँ। तो चलिए चलते हैं, पहले कॉफी पीते हैं, फिर उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। सो दोस्तों, ये है मेरी वरना, मैनुअल है ये, SX ऑप्शनल टॉप वेरिएंट, नॉन टर्बो वेरिएंट का टॉप मॉडल है ये। और इसका मैं ना अभी टॉप स्पीड टेस्ट करने वाला हूँ, क्योंकि आप लोगों का बहुत कमेंट आया कि इसका टॉप स्पीड टेस्ट करके बताओ। तो मैं टॉप स्पीड टेस्ट करूँगा, मतलब पहले गियर में कितना जाती है, दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे, छः गियर टेस्ट करूँगा, ट्राई करूँगा। ट्रैफिक रहा तब भी मैं कोशिश करूँगा कि छः गियर तक मैं टेस्ट करूँ, ठीक है। तो क्योंकि आप लोगों का बहुत सारा कमेंट भी आया था, आज करेंगे वरना का फुल स्पीड टेस्ट भाई, टॉप स्पीड इसकी कितनी है। तो चलिए चलते हैं, और इसमें आपको ना ड्रोन शॉट्स भी दिखाऊंगा मैं, इसके पूरे 360 व्यू का मैं ड्रोन शॉट दूंगा, क्योंकि ब्लैक कार ना बहुत अमेजिंग लगती है ब्लैक कलर में, ठीक है। गंदी होती है, आप देख सकते हो ना, गंदी हो रही है, लेकिन ये जो साइन जो मारती है ना भाई, अमेजिंग है। देखो कितना प्यारा लग रहा है इसका लुक, है ना, अगर मैं फोकस करूँ तो बहुत प्यारा लुक है यार। गंदी होती है बट इसका बात ही अलग है, जब रोड पर चलती है ना, इसका रोड प्रेजेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो चलते हैं वरना के अंदर, अपनी कार के अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं इसका इंटीरियर। तो फिलहाल मैं अपनी कार के अंदर आ चुका हूँ, इसको ऑन कर लेते हैं। तो अभी मेरी कार पूरी चल चुकी है 7888 किलोमीटर, अभी टोटल चल चुकी है। और एवरेज आपको दिखाऊं तो एवरेज जो मुझे मिल रहा है अभी फिलहाल 7.4 KMPL का एवरेज मिल रहा है सिटी में, ठीक है। आप ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते सिटी में, सिटी में आपको 12 भी मिल सकता है, सिटी में 10 भी मिल सकता है, अकॉर्डिंग टू आपका ट्रैफिक कंडीशंस कैसा है, ठीक है। बट हाईवे पे आपको मिल जाएगा 22-23 KMPL का एवरेज आराम से दे देती है, तो कोई डाउट नहीं है, हाईवे पे भी एवरेज निकाल देती है। सिटी में एवरेज थोड़ा इशू होता है, लेकिन कोई बात नहीं, मज़ा है भाई। इसका जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है ना, जिसमें पावर है, बहुत अल्टीमेट पावर है। मैं एक मॉल में गया था, उसमें मैं क्या किया ना, पहले गियर पे गाड़ी को बिना एक्सलेटर दिए हुए गाड़ी पूरी चढ़ गई भाई, मतलब बेसमेंट से लेके बाहर रोड तक गई है बिना एक्सलेटर दिए हुए, समझ सकते हो ना गाड़ी में पावर कितना है। तो अमेजिंग है भाई, अमेजिंग। फिलहाल आ चुका हूँ यमुना एक्सप्रेसवे पे, अगर आपको दिख रहा हो तो, ये यमुना एक्सप्रेसवे है और काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है भाई आज, पता नहीं क्या हो गया आज इतना ट्रैफिक कैसे है। और अभी ना फ्यूल भी नहीं है यार, फ्यूल सबसे पहले फ्यूल डलाना पड़ेगा, आप देख सकते हो ना, फ्यूल बिल्कुल भी नहीं बचा है, 82 किलोमीटर का फ्यूल रेंज है। और सबसे बड़ा चैलेंज है कि मैं ना अभी कट निकल गया मेरे से, जहाँ मैं रुका था वहाँ से 2 किलोमीटर था, बट मैं ऊपर चढ़ा ना तो ये 25 किलोमीटर बताने लग गया। सो अभी चलते हैं कहीं पे फ्यूल डलाते हैं, फिर उसके बाद मैं टॉप स्पीड टेस्ट करता हूँ रोड कंडीशंस देख कर। तो अभी मैं आया हूँ हाईवे मसाला पे, और फिर वहाँ चलते हैं, क्योंकि भूख बहुत तेज़ लगती है, हाईवे मसाला आते ही भूख लग जाती है भाई, पता नहीं क्यों। तो अभी कुछ खाते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं,
और टॉप स्पीड टेस्ट चेक करते हैं। भूख इतनी लगी थी मैं बताना भूल गया कि मैंने वेज बिरयानी मंगाया था 50 रुपये का, और ये पकौड़ी है गर्मा गर्म, दोनों का कॉस्ट है 100 रुपये। पकौड़ी बहुत सही हो रहा है, वही बारिश का मौसम भाई साहब, अन पकौड़ी। सो मैंने पहला गियर लगा रखा है और चेक करते हैं कि पहले गियर में कितना स्पीड जाती है, ठीक है, इसकी टॉप स्पीड क्या है फर्स्ट गियर पे। सो लेट्स ट्राई। पहले गियर पे 6.5 RPM है टोटल और 50 की स्पीड है, पहले गियर पे 50 की स्पीड जा रही है, 6.4 RPM पे ये लॉक है, ठीक है। अब दूसरा गियर ट्राई करते हैं, दूसरा गियर मैंने लगा दिया है, दूसरा गियर पे ये जाती है, RPM 6.6 पे लॉक हो गया, दूसरे गियर पे 91 इसका टॉप स्पीड है, सेकंड गियर पे 91 जाती है और इसका टोटल RPM है 6.4। थर्ड गियर लगाते हैं, अब हम थर्ड गियर लगा दिया मैंने, ठीक है, थर्ड गियर पे देखते हैं कितना भागती है गाड़ी। आ गई भाई, थर्ड गियर पे 136 की स्पीड जा रही है और 6.4 RPM पे ये लॉक है, 135 6.4, थर्ड गियर पर टॉप स्पीड 135 है। फोर्थ गियर लगा रहा हूँ मैं, फोर्थ गियर मैंने लगा दिया है, अब चेक करते हैं फोर्थ गियर पे कितना जाती है। सामने वो आ गया, बैरिकेड आ गया, यहाँ से स्पीड कम करना पड़ेगा। तो सामने यार यहाँ पे ये बैरिकेड लगा है, तो बैरिकेड को क्रॉस करते हैं, उसके बाद चेक करते हैं। फिर थर्ड गियर पे 135 गई है टॉप स्पीड इसकी, अभी यमुना एक्सप्रेस पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसलिए ये दोनों लेन को ना डिवाइड कर रखा है इन्होंने पार्शियली। चलो अभी यहाँ से लेन क्लियर मिला है, तो थर्ड गियर पे 135 गया था, अब हम ट्राई करेंगे फोर्थ गियर पे ये कितना जाती है। तो फोर्थ गियर मैंने लगा दिया है, अगर आपको दिख रहा हो तो ये फोर्थ गियर लगा हुआ है, अब हम चेक करेंगे फोर्थ गियर में कितना जाती है। सो फोर्थ गियर है ये भाई, वीडियो को लाइक करते जाना प्लीज। फोर्थ गियर है ये, 125 128 137, ट्रैफिक आ गया सामने, अगर आपको सामने दिख रहा तो ट्रैफिक है। यार यमुना एक्सप्रेस वे आजकल ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होने लग गया है, पिछली बार भी ट्रेस कर रहा था उसमें भी ट्रैफिक था, अब लगता है मुझे मुंबई एक्सप्रेस वे पर ट्राई करना पड़ेगा। अभी खाली रोड नहीं मिला है, खाली रोड मिलता है तो मैं फोर्थ गियर पे टेस्ट करूँगा। अभी थर्ड गियर का ब्रेक रिकॉर्ड नहीं हुआ है, थर्ड गियर पे 137, हाँ थर्ड गियर का ब्रेक रिकॉर्ड हो चुका है, 137 तक गया था, ट्रैफिक आ गया फोर्थ गियर पे, तो थर्ड गियर का टॉप स्पीड था 135। फोर्थ गियर का टेस्ट करेंगे, अभी ट्रैफिक बस ख़त्म हो उसके बाद मैं टेस्ट करता हूँ। फोर्थ गियर ही है, फोर्थ गियर 6.5 RPM पे भी लॉक होगा, 6.4 या 5 पे। हो जा भाई, हो जा, थोड़ा सा और, 123, 125, 128, फोर्थ गियर 128, 6.5 RPM पे लॉक है, अगर दिख रहा है स्क्रीन पे तो। बारिश भी स्टार्ट हो गई बाबा, ओ भाई गॉड, भाई साहब बारिश स्टार्ट हो गई है,
125 मैंने पहली बार वरना को भगाया फोर्थ गियर पे। पिछली बार मैं ट्राई किया था तो नहीं गया था, तो अभी मैंने ट्राई कर लिया, 125 गई है। और बारिश भी स्टार्ट हो गई है, लगता भगवान आज नहीं चाहते कि मैं टॉप स्पीड करूँ भाई, बहुत तेज बारिश होने स्टार्ट हो गई है। गियर ट्राई नहीं कर पाऊंगा क्योंकि बारिश होना स्टार्ट हो गया, ये आपके सामने है, बारिश हो रही है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं अगली बार फिर से ट्राई करूंगा। और कमेंट में बताओ कैसा लगा, और कुछ भी क्वेश्चन ना था पूछ सकते हो कमेंट में, मैं सभी को रिप्लाई देता हूँ। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई, बाय एंड टेक केयर। चैनल वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट जरूर करना भाई। ब्रेकिंग में भी काम नहीं करेगा यार, क्योंकि ना बारिश हो रही है, ब्रेक लगेगा नहीं सही से, तो रिस्क नहीं लेने का, क्योंकि ये नॉन टर्बो वेरियंट है ना, तो नॉन टर्बो वेरियंट स्पीड थोड़ा धीरे पकड़ रहा है, ठीक है। अगर टर्बो वेरियंट होता ना तो ये चुटकियों पकड़ लेता, लेकिन मैं इसका टेस्ट कर रहा हूँ कि इसका नॉन टर्बो वेरियंट कितना जा सकती है। तो 125 मेरे लिए अभी तक इसका टॉप स्पीड टेस्ट रहा है। सो गाइस, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि फर्स्ट गियर में ये गई 50, सेकंड गियर में गई 90, थर्ड गियर में गई 135, फोर्थ गियर में गई 125, और ये जो आरपीएम है, हाई आरपीएम जो लॉक है इसका 6500 आरपीएम पे लॉक है।